किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की। ये मशहूर कविता 12 अप्रैल 1954 को जन्मे सफदर हाशमी की है। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। वे सूचना अधिकारी बने लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिया। लेकिन इनका परिचय इतना भर नहीं है। आज एक नाटककार, एक्टर, डायरेक्टर, गीतकार, श्रम के समर्थक और पूंजीवादी व्यवस्था के विरोधी सफदर हाशमी की कहानी, जब उनके एक नाटक के प्रदर्शन भर से सत्ता समर्थकों ने उनकी जान ले ली। नमस्ते, मैं अंशुल हूँ, आप हैं मंच। पैसों की कमी की वजह से सफदर हाशमी ने गली मोहल्लों को ही अपना स्टेज बना लिया। साल 1973 में जन नाट मंच की नींव रखी और कुछ मंझे हुए कलाकारों के साथ मिलकर नुक्कड़ नाटक शुरू की। उनके नाटकों में सत्ता के दमन की खिलाफत होती थी। उनके नाटक दबे कुचले लोगों की आवाज़ थे। तानाशाही व्यवस्था की नींव हिल जाती थी और पूंजीवादी व्यवस्था की नींद उड़ जाती थी। सफदर हाशमी के विचार थे कि सच बोलने की कीमत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हल्ला बोलकर क्रांति की बयार बहाई जा सकती। 1 जनवरी 1989 का दिन और जगह गाजियाबाद का झंडापुर मोहल्ला, अंबेडकर पार्क के पास जन नाट मंच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रामनंद झा के समर्थन में नुक्कड़ नाटक कर रहा था। नाटक का नाम था हल्ला बोल और नाटक का निर्देशन कर रहे थे सफदर हाशमी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तभी कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा वहां से निकले और उन्होंने सफदर हाशमी से रास्ता देने को कहा। इस पर सफदर ने उन्हें थोड़ी देर रुकने या दूसरे रास्ते से निकलने को कहा। इस बात से मुकेश शर्मा के समर्थक भड़क गए और उन्होंने नाटक मंडली पर हमला कर दिया। इस हमले में सफदर बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 जनवरी की वो सुबह जब सफदर हाशमी दुनिया से अलविदा कह गए। मात्र 34 साल की उम्र जीने वाले सफदर हाशमी ने ऐसा मुकाम बना लिया था जो लोगों के दिलों में उतर चुका था। अगले दिन सफदर हाशमी का जब अंतिम संस्कार हुआ, तब दिल्ली की सड़कों पर 15,000 से ज़्यादा लोग उमड़ आए। उनकी मौत के 48 घंटे बाद उनकी पत्नी मल्लश्री और उनके साथियों ने उसी नाटक को उसी जगह मंचन किया। उनकी मौत के 14 साल बाद 2003 में गाजियाबाद कोर्ट ने कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा के साथ 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सफदर हाशमी ने अपने जीवन में 24 नुक्कड़ नाटकों का 4,000 से भी ज़्यादा बार मंचन किया। आज भी सफदर को चाहने वाले उनको याद करते हैं। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।